guys, good morning. Welcome back to my mom dad's vlog. And I'm very excited to start this vlog. But problem is that ki maine potty kar di hai. Potty kar di hai to main pehle potty saaf kar leti hu uske baad aap logo se milti hu. Theek hai? हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका अभी स्नुति व्लॉग के अंदर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी का जो सीन है वो हमारी जो अरु है वो उठ चुकी है सुबह सुबह बट इन्होंने पॉटी करती है पॉटी 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 करती है। तो इस चीज में जो है हमारी लड़की बहुत होशियार है कि व्लॉग तो बनेगा भाई और व्लॉग बनेगा तो लड़की पूरा कैमरे में ही देख के बात करेगी है ना। तो यार पहले ही जरा इसकी पॉटी साफ कर लेते हैं उसके बाद जो है अपने व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई साहब सुनिधि जी आपके सामने पेश करते हैं हमारी मिसेस सुनिधि गुप्ता को जो कि अब जाने वाली है हमारी अरु की पॉटी साफ करने के लिए। तो बेचारी शादी के बाद तो यार पेरेंट्स का यही काम रह जाता है बच्चे के बाद। तो बाहर का माहौल देखें जरा कुछ बाहर जो कह रहे हैं ये मौसम बहुत ज़्यादा शानदार हो हुआ है बट हमारे लिए बिजनेसमैन के लिए शानदार मौसम नहीं है। ये देख रहे हो तो बारिश आ रही है ये मौसम जो घर बैठे लोग या लड़कियाँ या औरतें हैं बच्चे हैं उनके लिए अच्छा बट बिजनेस मैन के लिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि बारिश आ रही है दुकान में काम नहीं निकलता तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलो कोई बात नहीं कुदरत से किसके आगे जोर चलता है तो कोई चक्कर नहीं है। तो हम जा रहे हैं ये पॉटी साफ करने के लिए हम चलते हैं नीचे फटाफट ब्रश करके ब्रेकफास्ट करते हैं शॉप भी खोलनी है बहुत काम। तो हमारी अरु जो है वो जा रही है अभी पॉटी साफ करने के लिए है ना। हाँ मेरा पुत्र जा रहा है यार बारिश का बड़ा चक्कर है यार बारिश रात को आनी चाहिए थी रात को जितनी मर्जी है दिन में नहीं आनी चाहिए। अरु पार्टी साफ करने का मेरा मित्र है। तो फाइनली गाइस मैं हो गई हूँ बिल्कुल अभी साफ और अभी जा रही हूँ मेरी दादी के पास तो आप लोगों से मैं दादी के साथ ही मिलती हूँ। तो गाइस मैं दादी के पास पहुंच गई हूँ और दादी जो है आज मेरे पापा मम्मी के लिए बना रही है आलू के पराठे। आलू के पराठे बना रहे दादी? हाँ जी। तो मुझे तो कुछ देते नहीं आप बंदी खाती है। तो गाइस फाइनली बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आ गए हुए हैं आलू के पराठे जो कि हमारी अरु तो नहीं खाएगी इसके पापा खाएंगे और चाचू तो खा ही रहे हैं। तो साथ में आ चुका है घर का बना हुआ ये व्हाइट बटर विद सॉल्ट एंड चाय। तो करते हैं फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट उसके बाद करते हैं दिन की शुरुआत और साथ में देखा जा रहा है यहाँ पे कपिल शर्मा शो। तो भाई साहब अभी जो है वो हो चुकी है रात और टाइम हो रहा है 9:15 सुबह के बाद मैं अब बना रहा हूँ फुल डे टाइम नहीं लगा और इस टाइम सिर्फ क्या है कि इस टाइम इसीलिए दुकान खुली हुई है कि हमारा इन्वर्टर खराब था ना तो एक इलेक्ट्रिशियन बुलाया उसने बोला कि ये बैटरी खराब है इन्वर्टर तो सही है बैटरी खराब है तो बैटरी को एक बार चार्ज करके देखते हैं कि ये कुछ होता है या नहीं होता है। एक बार चार्ज करेगा अगर हो गया मतलब इसको फिर से मतलब होता है ना एक धक्का मिल जाए चीज़ को कि ये डेड पड़ी थी तो एक बार चार्ज कर इसको जान डालने की कोशिश करते हैं तो वो जान डाल के देखेंगे अगर ये चल पड़ा तो बहुत बढ़िया नहीं तो फिर नई बैटरी लानी पड़ेगी। और अभी जो है 10:15 हम लोगों ने जाना है पिक्चर देखने राहुल मैंने और स्मृति जी ने तो आज प्लान थोड़ा बना लिया कि चलो यार पिक्चर भी देख लेते बहुत दिन हो गए पिक्चर देखने जाएंगे डिनर करने के बाद ही जाएंगे सीधा। तो पहले खुद ना जो चार्जिंग हो रही है तो ये देखो जी ये चार्जर है जो बैटरी ये वाली बैटरी को चार्ज करा आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है। फिर राहुल भी आया वो मेरे साथ यहाँ पर मतलब हम लोग देख रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा इसका। तो फुल ऑन अंधेरा है साथ में दुकान भी खुली है यहाँ पे तो ये रात को ही खोलते दिन में खोलते ही नहीं है और नीचे भी फुल ऑन अंधेरा और ना देखी थी वीडियो हाँ? क्या बात है। तो भाई साहब अभी जो है भैया आ चुके हैं जिन्होंने हमारी बैटरी चार्जिंग के लगाई थी तो भैया खुद इस टाइम 9:30 आए हैं पूरा का पूरा सेटअप करने के लिए। अब बताओ अब ये बैटरी चलेगी नहीं चलेगी क्या करना है कितने दिन चलेगी पूरा साल 2 साल साल तो देख लो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो इसी में बातें कंप्लीट जाएगी अगर नहीं चली तो भाई साहब अगर किसी को भी इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है तो ये बंदा है प्रोफेशनल पूरा बट टाइम इनके पास थोड़ा कम होता है तो अगर किसी को हो तो कमेंट मुझे बता दे। पंखा अगर आज खराब हुआ तो पट्टू ठीक होगा मगर ठीक पक्का होगा तो हिमांशु इनका नाम है कमेंट पे किसी को भी चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूंगा एनी टाइम कॉल करो लेकिन जम्मू के लोग ठीक है जी जम्मू से बाहर के लोग पठानकोट के ऑर्डर आ रहे हैं बंदे रखने पड़ेंगे जम्मू से लोकल उधमपुर उधमपुर तक चल जाओगे जम्मू पुंछ रजौरी कठुआ डोडा उधमपुर सब जगह चल जाएंगे मगर काम के हिसाब से किसी ने पखा ठीक कराना तो भेजोगे डोडा वो गल नहीं मगर नहीं इतने करना पखा आ जाएगा फिर मार भी पड़ती है। हाँ तो वैसे अभी कोशिश तो कही जा रही है पूरी भैया ने कहा कि ये मैं सेटअप कर दूंगा भैया ने भरोसा दिला दिया कि चल सकती है हाँ वो भी ऑन रिकॉर्ड है तो
भगवान करे अब चली जाए, पर बड़ा खर्चे हो गए। कल का दिन निकाल गई ना, हाँ तो फिर चलेगी। मतलब इसका वो हाल है वैसे पेशेंट का कि भाई साहब 24 घंटे का अगर आप ये निकल गया टाइम क्रूशियल टाइम है, अगर इसकी हार्ट बीट चलती रही तो ये चल जाएगी, नहीं तो खत्म तो खत्म। पिक्चर देखने भी जाना तो पौने दस तो यही हो गया, और सवा दस का हमारा शो है, तो अभी मैंने डिनर भी करना है, तो काफी कुछ है, तो बस हो गया फटाफट सेटअप, तो फिर चेक करते हैं और फटाफट अपना डिनर करके निकलते हैं। हाँ कैसी जाना पी वी आर, मेरा नंबर कहाँ पे क्या करना, नंबर टिकट ले ली भी है यार, ऑनलाइन ही करा ली है, मगर तब भी ऑनलाइन सस्ती मिल गई है। तो जी भाई साहब फिलहाल जो है अभी ये सेटअप हुआ है, लेकिन अब देखना में ये चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है, अभी भी चार्जिंग वाली लाइट तो चली नहीं है, तो यही तो पहले चीज थी, तो अब कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना। भैया भी बैठे बिल्कुल खुला, आपकी ट्रेन ऑफ करो, करना होगा भैया बोल रहे हैं अभी आपकी बैटरी होगी बिल्कुल फुल, मगर ये पहले भी ऐसी थी, और अब भैया कह रहे हैं कि करो जरा मेन ऑफ, ये ऑन स्पॉट चल जाता है, जो थोड़ा बहुत हुआ होगा ना वो 19-20 चल जाएगा, पता नहीं कर ये मैंने बोला ना ऑन स्पॉट चल जाएगा, तो ये इन्वर्टर अब चालू हो गया ना, मतलब एक साल का। हाँ मतलब हमारे इन्वर्टर की इतनी लाइटिंग चलेगी, एक दो तीन चार बल्ब चलता है इन्वर्टर से, मगर चार्जिंग वाले इतनी नहीं जग रही है प्रॉब्लम, तो भी इन्वर्टर जो बैटरी फुल होगी फिर कैसे होगा, फिर अब हमें कैसे, अभी मेन ऑफ है ना, कोई ऐसा आपके पास आया चीज जिससे पता चल जाएगी फुल है या नहीं है, वो बता दो बस मुझे, मुझे तसल्ली हो जाए ना कि जो काम किया वो मैं वो याद है नहीं, क्योंकि ऐसा तो थोड़ा थोड़ा तो हमेशा होता है, जिनने बंदे आए ना दो बारी, और दिवाकर आता है लड़का, तो उसने तो हर बार ऐसे करके दिखाया है, तो मेन ये है कि इस अब बैटरी के अंदर कितनी करंट है, यहाँ से आपको मीटर पर दिखाऊंगा ठीक है, कितना होता है 14.76। हाँ भैया मेन ऑफ, अब यहाँ घटना स्टार्ट हो जाएगी 13.12, बड़ी स्पीड से लो हो रही है ये, आप कुछ मैसेज देना चाहते हो अपने इलाकों को जो लोग देखेंगे, पहचान तो जाएंगे लोग आपको, ऐसी गल नहीं है ये पानी पाओ टाइम से टाइम से बैटरी में पानी डालो, अगर इसमें कार्बन आ रहा है तो उसमें ये वैसलीन लगा दो, देसी तेल लगा लो, ठीक है जी क्या बात है, वैसलीन लगाओगे तो ज्यादा बेस्ट है, जैसे हमारे लिप्स ड्राई हो जाते ना सर्दियों में वैसलीन लगानी पड़ती है, वैसे ये ड्राई हो जाती है बैटरी, सही है 12 महीने ड्राई रहती है, ये 12 महीने ड्राई रहती है। इस टाइम जो है अब हमारी अरु हमारे साथ में जा रही है, बिकॉज छोटी बच्ची है ना डर जाती है साउंड से, तो ये नहीं जा रही है, रहेगी दादू के पास दादी के पास, और हम तीनों जा रहे हैं सुनिधि मैं और राहुल, अब निकल रहे हैं अब सीधा अपने थिएटर को, अपने नहीं है एसी थिएटर, तो राहुल जा रहा है अलग स्कूटी में, हम और मैं और सुनिधि जा रहे हैं अलग स्कूटी में, निकलते हैं फटाफट क्योंकि 10:02 हो गए, 10:15 पे पिक्चर शुरू हो जाएगी, अब निकलते हैं सीधा आपको मिलता हूं मैं थिएटर में। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम पीवीआर में, टाइम हो चुका हुआ इस टाइम अप्रॉक्सिमेट, ओहो 10:15 होने वाले हैं, फटाफट चलते हैं, और मैडम जो है वो भी खुश हो आज पिक्चर देखने आए हो, आज बड़ी देर से ये बोल रही थी देख रही, इन्होंने खुदा हाफिज से बड़ी देख रहे हैं दूसरी, तो चलते हैं अंदर, रश बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खालम खाली पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हो रहे हैं हमारे टिकट्स चेक और हम चलेंगे अंदर। जो लोग जम्मू से बाहर के हैं वो देख सकते हैं जम्मू का पीवीआर कुछ अंदर से ऐसा है, काफ़ी सुंदर बना हुआ है, हमने राहुल ऑडी वन पे जाना ना, वो सामने ऑडी वन, और यहाँ भी बर्गर्स मिलते हैं, बट क्या कहूँ मन ये ऐसा भी हम डिनर करके आए हुए हैं, तो ऑडी वन में जा रहे हैं, और आज हमने स्पेशली रिक्लाइनर्स किए हुए हैं, हम तीनों आज लेट के पिक्चर देखेंगे, लेट के यस, अच्छी पिक्चर आने वाली है, ये 11 अगस्त को राखी पे आ रही है भाई बहन वाली, हाँ रक्षाबंधन फिल्म का नाम, वाह यार एक विलन आने वाली नती देगी, ये फिल्म देखने वाली है आज वाली, तो ऐसे टाइम पास के लिए आ गए देखने के लिए, हमने जाना है ऑडी वन में, और अभी 5 मिनट पड़े हुए हैं, आप क्या कर रहे हो, वो नीचे लिखा था बेटा 11 अगस्त को, इसमें देखना क्या है, उसी दिन रक्षाबंधन वाला दिन आ रही है, उस दिन रश नहीं पड़ेगा, फिर सीधी सी बात है, इनके गेट्स खुल चुके हैं और चलते हैं अंदर, चाय में चीनी लेते हैं, सकते हो पूरा का पूरा थिएटर खाली, और ये पिक्चर देखने के लिए आए हैं, ये सुनिधि जी की जिद थी ये वाली की यही पिक्चर देखनी है, फिलहाल तो कोई दिख नहीं, थोड़े से बंदे और होंगे बस, तेल कम खाओ तंदुरुस्त रहो, सब लोग जो है यहाँ पर हमारा राहुल गुप्ता जिसकी शक्ल ही नहीं दिख रही।
तो भाई साहब अभी हो चुका है इंटरवल, और इंटरवल में पूरा का पूरा थिएटर खाली है, बस एक रख लाइन की लाइन पूरी भरी है। और सुनिधि जी पिक्चर कैसी लग रही है? मुझे तो अच्छी लगी है। अच्छी लग रही है ना, चलो अच्छी बात, अच्छी लग रही है, स्टोरी अच्छी है। अजी तो फाइनली गाइस पिक्चर हो चुकी है ख़त्म, और पिक्चर के रेटिंग अगर देनी है तो बहुत ज़्यादा मैं नॉर्मल 7-7.5 ही दूंगा 10 में से, बिकॉज पिक्चर इतनी अच्छी नहीं है, बहुत लटकाई हुई पिक्चर है, बट तब भी ठीक है, एक टाइम के लिए देखने के लिए ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो हमारी सुनिधि जी भी अभी पीछे पीछे आ रही हैं, राहुल तो स्कूटी स्टार्ट कर रेडी हो गया, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई, और टाइम जो है 12:30 हो रहे हैं, तो पिक्चर देख के घर पे आ गया, और अभी जो है घर आते ही 1 बजे मुझे लग गई है भूख, और सुनिधि जी जो है मेरे लिए अभी बनाने लगी हैं खाना, क्योंकि मैं खा के भी गया था वैसे, बट मुझे अब डिनर करके गए थे, बट मेरा अभी फिर और खाना खाने का मन कर रहा है, क्योंकि पेट यार जागे रहो ना तो भूख लगती रहती है। यस और नो? 10 बजे खाई थी तो अभी 1 बज गया, 3 घंटे हो गए हुए हैं। तो मैं सिंपल यार नमक जो है मेरे फुलके बनवा रहा हूँ, और क्या इससे सिंपल खाना क्या खाएगा बंदा। मैंने कहा था मैगी, मैगी इनके घर में ख़त्म हो गई थी, राहुल को दे दी उन्होंने लास्ट मैगी। तो यार काफ़ी अच्छी पिक्चर थी, ठीक मतलब ठीक था पिक्चर, देख ली रिव्यू दे दिया मैंने कि ठीक था, एक ही बार देखने वाली पिक्चर है, पिक्चर देख ली है, सुनीत जी को पसंद भी आ गई है, ठीक थी, अच्छी थी, टाइम पास अच्छा हो गया, बहुत देर के बाद आज गए थे। सो बस आज के ब्लॉग का यही एंड कर देते हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो कि कैसी लगी वीडियो, और जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड बाय।